सिलेबस के आगे सबसे पहला है स्टैटिक चार्ज क्या है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। जब रुके हुए चार्ज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने आती है बात कि उसकी डेफिनेशन क्या है। जब चार्ज मूव नहीं करता तो वह स्टैटिक चार्ज है। ऐसा कब पॉसिबल है? हमने देखा कि हमारे अर्थ पर दो प्रकार की बॉडी है, एक कंडक्टिंग दूसरा नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग बॉडी पर यदि हम सरफेस पे रब करें तो हम चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं, पर वो चार्ज मूव नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन हमारी स्टैटिक कंडीशन कहलाती है। स्टैटिक चार्ज क्या है? तो दिखा रखा है आपके सामने कि व्हेन चार्जेस डज नॉट मूव विद द टाइम ऑन इंसुलेटर इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। अगला इसे एग्जाम्पल दिखा रखा है। एग्जाम्पल में हमने बताया कि भैया जब हम स्वेटर उतारते हैं तो भी हमने चार्ज देखा है, जब कोई पॉलिएस्टर की साड़ी पहनी जाती है तो भी हमने चार्ज देखा है, आकाश में बिजली चमकती है तो वहाँ पर भी चार्ज होता है, जब हम किसी कार के चलते हुए कार को रुकने के बाद जब डोर को खोलते हैं तो भी इस कार को महसूस करते हैं, बस की जो सीट होती है उस पर हम बैठते हैं और उसको अगर हम स्लाइड करें, स्लाइड करने के बाद उसके नीचे लगे हुए आयरन को टच करते हैं तो भी हमें चार्ज महसूस होता है। ऐसा नहीं कि इसके झटके से आप मरेंगे या फिर कोई नुकसान होने वाला है, पर महसूस होगा। हाँ, लाइटनिंग की वजह से जो आकाश में स्काई में जो लाइटनिंग होती है वो बहुत हैवी चार्ज होता है तो उससे आपको इफेक्ट हो सकता है। अब इसका रीज़न क्या है? तो कहते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू, है ना। तो जब चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं तो तीन कंडीशन के कारण होते हैं। पहला है फ्रिक्शन के कारण, जब हम दो सरफेस को घिसते हैं आपस में रगड़ते हैं और वो दोनों यदि इंसुलेटिंग है सॉरी इंसुलेटर है तो आपको चार्ज महसूस होगा। नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन की वजह से और सबसे लास्ट में आता है इंडक्शन की वजह से। इन दोनों टर्म तीनों टर्म को मैं एक एक करके अभी डिफाइन करता हूँ, समझिए। सबसे पहले फ्रिक्शन में क्या होता है, जब दो सरफेस हैं उन्हें मैं आपस में रगड़ता हूँ तो रगड़ने की वजह से उनके एटम के अंदर एक्सटर्न आउटर मोस्ट सरफेस पे पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन अपनी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वो वहाँ से जंप आउट कर लेते हैं एटम से। जंप तो कर गए पर वो जाएँ कहाँ, क्योंकि जितने भी आसपास के एरिया के जो सरफेस हैं वो सभी जो हैं वो इंसुलेटर हैं, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देते। और क्योंकि सभी एटम जो हैं वो एज ए न्यूट्रल हैं तो ना तो वो आगे जाने दे रहे जाना ना पीछे आने दे रहे हैं, इस वजह से वो रुक जाते हैं। वहीं कंडक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी को हमने चार्ज किया, रब किया, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल या फिर प्लास्टिक के पैन को लेके मैंने रगड़ लिया और उसके पास में मैं कोई दूसरा अनचार्ज बॉडी लेके आया और उसको कनेक्ट किया, तो वहाँ पर अनचार्ज बॉडी में चार्ज बॉडी पे टच करने के बाद तुरंत चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा और दोनों में सेम चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर दूसरी बॉडी न्यूट्रल है तो। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि बॉडी को हम टच नहीं करते और बिना टच करे एक दूसरे के पास यदि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर लेकर आए, यानी कि दो बॉडी ली जिसमें से एक चार्ज है दूसरी अनचार्ज है, अनचार्ज बॉडी को जब चार्ज बॉडी के पास रखा जाता है, टच नहीं करवाया जाता सिर्फ पास रखा जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि अनचार्ज बॉडी जो है वह चार्ज हो जाती है, उसमें पोलैरिटी की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर की तरफ आने लग जाते हैं और बाहर की तरफ आए हुए इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वही हमारा स्टैटिक चार्ज है। तो स्टैटिक चार्ज की आपको जानकारी मिल चुकी है कि स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज, और मूविंग या डायनेमिक चार्ज कब होता है? तो डायनेमिक या मूविंग चार्ज तब होता है जब हम किसी मेटल की बात करते हैं। स्टैटिक चार्ज किसके लिए होता है? सिर्फ इंसुलेटिंग बॉडीज के लिए होता है। तो इंसुलेटर के लिए स्टैटिक चार्ज और मेटल्स के लिए डायनेमिक या फिर मोशन चार्ज इन मोशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की आंतरिक गुण है। ये आंतरिक गुण कैसा होता है? तो ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स
जब दो अलग इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में ये बल पैदा होने की वजह से उत्पन्न होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जे जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारा वो स्पीड पर इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा स्पीड पर इंडिपेंडेंट होता है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक चार्ज जो है वो डायनेमिक चार्ज के बराबर होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। रुका हुआ चार्ज ये वही है कि अगर आप एक व्यक्ति एटीएम से पैसे निकाल के लाता, अगर वो कार में बैठा हुआ है या फिर सड़क पे घूम रहा है, दोनों के पास 10-10 हज़ार अगर रुपए हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास चार्जिंग बाय, चार्जिंग का मेथड बता रखा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे किया जाए। इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस तो किया था कि फ्रिक्शन से, कंडक्शन से और इंडक्शन से, ये तीन मेथड आपको बताए ज़रूर थे। पर फ्रिक्शन में होता क्या है, कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो उसको मैं समझ लीजिए कि जब भी दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो रब करने की वजह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो उसका थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, और जब थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने से उसका आयनाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन के आयनाइजेशन आयनाइज्ड होने की वजह से ही बॉडी चार्ज हो जाती है। तो इस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब देखिए चार्जिंग कंडक्शन के द्वारा में क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, और इंडक्शन के द्वारा क्या होता है बिना टच करे, इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। स्टडी यानी कि रेस्ट में जब हम चार्ज का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वैन वी स्टडी द फोर्स फील्ड एंड द पोटेंशियल एसोसिएट विद द स्टैटिक चार्ज। तो यहाँ पर तीन चीज़ों का अध्ययन करना होता है इलेक्ट्रिसिटी में, एक चीज़ नहीं तीन चीज़। पहला फोर्स, दूसरा पोटेंशियल और तीसरा स्टैटिक चार्ज। फोर्स, पोटेंशियल और स्टैटिक चार्ज, इन तीन कंपोनेंट को स्टडी करना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कि चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस बात को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, और इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से आज हम जितने सारे काम कर सकते हैं वो अवर्णनीय है। पर फिर भी चीज़ में से चार पांच मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि लाउड स्पीकर को बजाने में, या फिर हम कहीं भी पावर कोटिंग करवाने में, या फिर फ्लैश कलेक्शन करने में, या फिर जीरोक्स कॉपी मशीन में, और टीवी ट्यूब के अंदर, रडार में, यानी कि बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं दो बात आपको क्लियर हो गई। सबसे पहला स्टैटिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, नंबर वन काम हमने समझ लिया। स्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, ये तीनों कारण भी हमने जान लिए। उसके बाद उसमें क्या प्रक्रिया होती है, क्यों जनरेट होता है, वो रीजन भी जान लिया। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और इसके क्या यूज़ हैं ये भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो प्रकार के चार्ज हमने अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें समझाए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कौन सा था, तो देखिए यहाँ पर हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज हैं, वो जो चार्ज गेन करके रखती हैं उनमें, उनके आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन की एक्सिसनेस के आधार पर उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दो भागों में बांटा जा सकता है। पॉजिटिव क्या होते हैं, जिनके पास, जैसे कि यहाँ पर आप याद कर सकते हैं WWW, वूलन क्लोथ, वूलन कोट, वूलन कारपेट, इन तीनों में पॉजिटिव। WWW FDGC, WWW FDGC, ये वुड है ना, वुडन क्लोथ, वुडन, वूलन क्लोथ, वूलन कोट, वूलन कारपेट, फर, ड्राई हेयर, ग्लास रोड और कैट स्किन, ये सभी पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। याद रखना है बिल्ली की खाल पॉजिटिव है, कांच की रोड पॉजिटिव है, हमारे बाल वो भी पॉजिटिव, और एक पंख वो भी पॉजिटिव, दरी, कारपेट, कपड़ा सब पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहाँ पर है, तो देखिए सिल्क क्लॉथ, सिल्की कपड़ा, एबोनेट की रोड, प्लास्टिक की सीट, एम्बर कर,
एम्बर का मतलब क्या होता है कि एक छाल, एक लकड़ी है एम्बर, और उस लकड़ी की ये छाल होती है। तो ये गलती से आर को ए डी लिख दिया है, आपको याद रखना है कि ये आर ओ डी है, कोई रोड नहीं है ये। ठीक, अगला है हमारा रबड़ शूज और पिच बॉल। पिच बॉल क्या होती है? नॉर्मल प्लास्टिक की छोटी सी बॉल। कॉम, कंघा, ये सारे के सारे हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, और इधर हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। ये मैंने आपको अलग से क्यों बताया? क्योंकि ये एक बेसिक है, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा डायरेक्ट, पर इनका यूज़ एक्सपेरिमेंटली होगा, और फिर आप यदि आपको याद नहीं है तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने तीन बातें समझ ली, पहला स्टैटिक चार्ज क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी में क्या अंतर है और कैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं, फिर दो प्रकार के कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट में कैसे प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। अगला है हमारा बिहेवियर ऑफ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी बिहेव कैसे करती है? पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़ा था उसी को अब हम इलेबोरेट रूप में समझेंगे। ठीक है, कि यदि कोई एक, देखिए याद रखना कि जो पहली बॉडी है इसका इफेक्ट आपसे पूछेगा, और इसकी सहायता से इसके ऊपर आपको इसको रब करना होगा। मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है कि आपको कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा एक शॉर्ट समरी तैयार हो सके। तो ये याद रखना है कि जब भी कोई एम्बर या एबोनेट की रोड को, ठीक है, दो एबोनेट की रोड को यदि वूल या सिल्क के साथ रगड़ा जाए, एक दोनों को अगर रगड़ दिया जाए और दोनों एम्बर से बनी है और दोनों को एक दूसरे के साथ लाएं, तो वो दोनों रिपेल करेंगी। पर यदि एम्बर को वूल के साथ रगड़ा जाए या फिर सिल्क के साथ रगड़ा जाए, तो एम्बर अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रू पिच बॉल, यानी कि छोटी छोटी हल्की हल्की चीज़ों को एम्बर की वो लकड़ी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। कारण क्या है? क्योंकि जितनी भी छोटी और पॉजिटिव वाली बातें हैं, है ना, पिच बॉल, इन सब के अंदर कैसा है, नेगेटिव चार्ज था, और जो हम ले रहे थे उसके अंदर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो इधर से पॉजिटिव चार्ज, इधर से नेगेटिव, तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर देंगे, इसकी वजह से यह ऐसा हुआ। अगला है हमारा पेपर, और अगर हम किसी पेपर को आयरन करें, यहाँ पर आयरन का मतलब लोहा नहीं है, इस्त्री है, यानी कि गर्म करें, तो वो क्या हो जाएगा, पेपर जो है वो टीवी की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन से अट्रैक्ट होने लगेगा, उस पर चिपकने लगेगा। नेक्स्ट है, देखिए पेपर में इसका कंक्लूजन ये नहीं पूछा था कि क्यों हो रहा है, ये पूछा जाता है कि क्या रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, दो ग्लास रोड हैं, दोनों को वुड एंड सिल्क से रगड़ा जाता है, तो दोनों रोड जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। वुलन स्टैंड है हमारे पास, वुलन स्टैंड को ग्लास रोड से यदि रब किया जाए, देखिए ऐसा याद रखना कि स्टार्टिंग वाला जो है उसी के आधार पर ही आपको दूसरा डिसीजन लेना है कि वुलन स्टैंड को ग्लास से रब किया जा रहा है, तो ग्लास रोड अट्रैक्ट होंगी वूल से। ठीक है, अगर ग्लास ग्लास की बात करते रिपेयर करती, ग्लास और वुड की बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम है, ग्लास रोड है हमारे पास, ग्लास रोड और सिल्क, ठीक है, ग्लास रोड से सिल्क को रगड़ा जाता है, तो ग्लास रोड क्या करेगा, प्लास्टिक की रोड को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज होते हैं। ठीक है, अभी हमने पिछले देखा था ना, प्लास्टिक की जो रोड है वो हमारी नेगेटिव है, जबकि ग्लास रोड जो है वो हमारी पॉजिटिव है। तो ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड, प्लास्टिक की सीट, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास पिच बॉल एंड ग्लास रोड, पिच बॉल एंड ग्लास रोड। तो पिच बॉल, ग्लास रोड एंड, ठीक है, पिच बॉल को पहले ग्लास रोड से रब किया जाता है, देन उसको प्लास्टिक की रोड के पास लाया जाता है, तो प्लास्टिक की रोड उसको अट्रैक्ट कर लेगी। अगला है हमारा कि ग्लास रोड को जब सिल्क के साथ रगड़ा जाता है, तो वो ग्लास रोड प्लास्टिक की रोड के पास अगर लेकर जाते हैं, तो प्लास्टिक की रोड में एक नया चार्ज डेवलप होता है, वो चार्ज जो है वो बॉल को अट्रैक्ट करता है, प्लास्टिक रोड अट्रैक्ट विद द बॉल। ठीक, तो इस समरी को दोबारा से आप सुन सकते हैं, नहीं सुनना चाहते लिख लिख के याद कर लीजिए।
एक नंबर में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगला है हमारा डिस्कवरी ऑफ चार्जेस। ये सारी बातें आपको पहले से पता है, इलेक्ट्रॉनिक और जीजी थॉमसन ने की, प्रोटॉन की, रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की, और दो प्रकार के चार्ज होते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात बताई, ठीक है। और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इस बात को मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया। नेक्स्ट है हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर हैव मैग्नेटिक फील्ड। जब ऑस्टेड ने क्या किया, एक द्विसूचक या कंपास निडल का यूज़ करके किसी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर का यूज़ के से बताया कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर करंट सप्लाई हो रही होती है तो उसके पास यदि हम ये कंपास निडल लेकर जाएं तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात को सबसे पहले प्रूफ किसने किया था, ओस्टेड ने किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, चार्ज इज क्वांटाइज, और इस बात को माइकलसन फैराडे ने हमें समझाया था। याद हो गया होगा, बहुत आसान सा है। आगे बढ़ता हूँ, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो अभी तक जो हमने चार्ज पढ़ा है उसका ये तीसरा टॉपिक चल रहा है, और तीसरा टॉपिक में सिर्फ ये बता रखा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि चार्ज को डिटेक्ट कर सके। देखिए, ऐसा तो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं, पर घर घर पे बनाए जाने वाला एक बहुत साधारण सा एक ऐसा उपकरण जिससे हम चार्ज की उपस्थिति या प्रेजेंस को महसूस कर सकें और कितना चार्ज है ये भी नाप सकें, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम इलेक्ट्रो स्कोप कहते हैं। इसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसमें बनावट क्या होती है कि एक बर्नी या एक बोतल ले ली जाती है, उस बर्नी के अंदर एक रॉड इस तरीके से फिट की जाती है कि ऊपर एक एल्यूमिनियम लगा दिया जाता है और नीचे, सॉरी, ऊपर एक मेटल लगा दिया जाता है और नीचे यहाँ और यहाँ दो गोल्ड लीफ रख दी जाती हैं, और जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं तो वो चार्ज यहाँ से नीचे चला जाता है, और जितना ज़्यादा चार्ज जाता है उतना ये दोनों लीफ दूर चली जाती हैं, और इनकी दूर जाने की वजह से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है इसको नाप लिया जाता है, इस दूरी को ही नाप लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फिर वर्किंग। तो वर्किंग कैसे होती है कि जब वैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच द मेटल कॉम्ब एट द टॉप ऑफ द रोड, चार्ज फ्लो ऑन द लीफ एंड दे डाइवर्स, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज इंडिकेट ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक, वही बात कि हमने बताया कि हमारे पास एक ऐसे एक कांच की बरनी है, उस कांच की बरनी के ऊपर हमने एक छोटा सा मेटल लगा रखा है, उस मेटल के नीचे हमारे पास एक कोम्ब है और वो कोम्ब के नीचे हमने दो लीफ बांध रखी है, और वो दोनों गोल्ड की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? गोल्ड की, सोने की बनी हुई लीफ है, और ये जो लीफ है, ठीक है, ये इस बरनी के अंदर है, और जैसे ही हम किसी चार्ज बॉडी को इससे टच करवाते हैं तो टच करने के बाद सारा चार्ज नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद जितना ज़्यादा चार्ज होता है, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज आया और यहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से वो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और जितना ज़्यादा दूर जाता है उतना अमाउंट में चार्ज हम डिस्टेंस के रूप में नाप लेते हैं। तो डिस्टेंस से चार्ज का रिलेशन निकाल कर हम ये बता सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वहाँ डिफ्लेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम चार्ज को नाप सकते हैं अपने घर पे, पर ये बहुत कम अमाउंट में चार्ज को नापने के लिए है। बहुत हैवी चार्ज को नापने के लिए फिर हम गैल्विनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन, अभी तक हमने ना फ्रिक्शन वाला तो बहुत अच्छे से समझ लिया था, और साथ ही साथ चार्जिंग बाय कंडक्शन भी हमें समझ में आ गया था कि एक दूसरे को टच अगर हम देते हैं तो टच करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट में सेम चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक। पर इंडक्शन में ऐसा क्या होता है? तो इंडक्शन को समझना था इसीलिए मैंने इसकी स्लाइड बनाई। तो व्हेन इलेक्ट्रिफाइड रोड, जब इलेक्ट्रिफाइड रोड आर बाट नियर द लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब मैंने किसी एक रोड को चार्ज कर लिया
और उसे एक लाइट ऑब्जेक्ट के पास लेके आया, देन द रॉड इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज ऑन द नियर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड चार्ज मूव टू द फर्दर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, दोबारा समझते हैं। कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिफाइड रॉड आर बॉट नियर द लाइट ऑब्जेक्ट, एक लाइट ऑब्जेक्ट हमारे पास है और एक चार्ज रॉड हम उसको पास लेकर आते हैं, देन द रॉड इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज ऑन द नियर सरफेस। तो हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और ये मेरे पास एक चार्ज रोड है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। इस नेगेटिव चार्ज के बहुत ज़्यादा पास आने के बाद क्या होता है कि ये एटम, ये बॉडी एज ए न्यूट्रल थी, पर क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है कि दो पोलैरिटी आ जाती हैं, नेगेटिव की तरफ इसके पॉजिटिव सारे इकट्ठा होने लगते हैं और पॉजिटिव की तरफ इस और इसके अपोजिट में इसके सारे नेगेटिव एक तरफ हो जाते हैं। ठीक, ये हमारा नेगेटिव और इधर हमारा पॉजिटिव। अब इन सभी पॉजिटिव और नेगेटिव को हम क्या करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं और उसके बाद हम एक दूसरी ऑब्जेक्ट को इससे टच कराते हैं, तो इसका जितना भी चार्ज है पॉजिटिव वाला वो सारा दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव बच जाता है। ठीक, तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आल्सो अ कंडक्टर। याद रखना है हमें इंडक्शन, कंडक्शन और जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर था हमारा क्या था वो फ्रिक्शन, ये सभी हमारे इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ के लिए थे। कंडक्टिंग बॉडीज़ में तो हम पहले ही समझ सकते हैं कि भैया जैसे ही चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पे फैल जाता है, जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। जैसे ही कोई इंसुलेटिंग बॉडी आती है उसको जैसे ही हम चार्ज देते हैं वो चार्ज उसी जगह रहता है, उसकी सरफेस पे नहीं फैल पाता। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, इसी में ही टॉपिक समझते हैं हम कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवनिंग द फोर्स एंड द रिपल्सन। यानी कि कितना चार्ज आता है इंडक्शन के द्वारा वो डिपेंड करता है उनकी डिस्टेंस पर, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवनिंग द फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, कितना अट्रैक्शन और कितना रिपल्सिव फोर्स वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है इस पर। नेक्स्ट हमारा द पिच बॉल अट्रैक्ट बाय द ग्लास रोड एंड रिपेल बाय द प्लास्टिक रोड। ठीक है, तो जो ऐसा अभी मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया था कि एक ग्लास रोड है और दूसरी हमारी पिच बॉल है और जैसे उसके पास लेकर आते हैं तो पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ चला जाता है और पॉजिटिव के अपोजिट में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम को रीच होता है, जितने पॉजिटिव वो इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल ही होना चाहता है। ठीक, तो याद रखना है कि दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज एंड हैपन इंस्टेंटली। ये बहुत तेजी से होगा, ये धीरे से नहीं होता। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ये जितने भी बिना हेडिंग वाले जिनमें कोई नंबर नहीं दे रखा है, वरना यहाँ नंबरिंग दे रखी है, ये सभी आपके बेसिक क्लियर करने के लिए हैं। तो अगला है हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं इंसुलेटर में ऑल द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और इंसुलेटर में है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल, देखिए इनमें ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो कर सकते हैं पर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। जबकि डाइलेक्ट्रिक्स वे होते हैं जो कुछ अमाउंट में है ना, देखो इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग, ये कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो दिखाते हैं पर कंडक्टिंग नहीं कर पाते। जबकि कंडक्शन में क्या होता है, कोलिजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह रैंडम मोशन के थ्रू फ्लो करने लगते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते। और डाइलेक्ट्रिक्स ये वे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिना कंडक्शन के भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिना कंडक्शन के भी दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अगला हमारा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि इस पे भी नंबर नहीं है, ये भी आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसको हमने इकट्ठा किया है कि चार्ज का सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम, और इसको डायरेक्ट कंजर्वेशन के रूप में एनसीईआरटी में हेडिंग के रूप में दे रखा है। तो याद रखना आपको कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, किसी भी आइसोलेटेड या बंद पात्र के अंदर या बंद सिस्टम के अंदर जितना जो चार्ज है वो जितना इनिशियल में था उतना ही फाइनल में होना चाहिए। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है, परंतु कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो होता है, पर याद रखना है आपको कि कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि चार्ज क्यू, क्यू और एम में क्या अंतर है, क्यू और एम याद रखना है आपको कि जो क्यू है वो हमारा चार्ज होता है, एम हमारा मास होता है। मास मास को बनाया या ख़त्म किया जा सकता है क्योंकि इनर्जी के रूप में मास को कन्वर्ट किया जा सकता है, पर चार्ज को डायरेक्ट इनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज खुद एक इनर्जी का स्वरूप है, जबकि मास डायरेक्ट इनर्जी का स्वरूप नहीं है, बस मास को इनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। अगला है कि चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज, चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज का मतलब क्यू बराबर एन ई, चार्ज का जो मान है वो इंटीजर मल्टीपल के है। ई हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, यानी कि चार्ज जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन के गुच्छे से बनता है। एन का मतलब हमारा इंटीजर है, इंटीजर का मतलब कोई भी संख्या। तो बहुत सारी संख्याओं में जब चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होते हैं तो वही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज या टोटल क्यू बनता है हमारा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि यदि हम एन को सोल्व करते समय 0.5 हमारी वैल्यू आ जाए तो कैसा है, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हमें बताया अभी कि एन इज़ ऑलवेज इंटीजर, एन हमेशा इंटीजर होगा, वो चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, पर वो वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगी, वो डायरेक्ट एक सिंगल डिजिट में होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगला कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, आंतरिक गुण है, ये उसमें पहले से ही मौजूद होता है, कोई हमें बाहर से उसको प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर ओनली। देखिए यहाँ पर इसने कहा कि चार्ज कंजर्वेशन, और अभी कह रहा है कि चार्ज बनाए भी जा सकते हैं डिस्ट्रॉय भी किए जा सकते हैं, पर सिर्फ पेयर में, यानी कि जितना पॉजिटिव बनेगा उतना ही नेगेटिव बनेगा। यही हमारा इक्विलिब्रियम की कंपोनेंट थी जो हमने अभी पिछले सेक्शन में पढ़ा था, चार्ज बाय द इंडक्शन, उसमें भी यही हो रहा था कि एक न्यूट्रल बॉडी थी और उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर एक तरफ हम पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी उसको जैसे दिखाते हैं तो वो पॉजिटिव उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और नेगेटिव पीछे चले जाते हैं, पर जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। नेक्स्ट है हमारा, चार्ज कैन क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय इक्वल एंड अनलाइक पेयर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है गामा रे मेटरलाइज्ड इनटू द इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। अगला है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर एनहिलेटेड इच अदर प्रोड्यूसेस टू गामा फोटोन। देखिए ये तीन प्रकार के आपको चार्ज से रिलेशन समझ में आएंगे। पहला है हमारा गामा रे, जब भी याद रखना है आपको कि जब भी कोई गामा रे टूटता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन के अंदर ही टूटेगा, ये गामा डीके कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जब मिलता है तो उससे दो गामा बनते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है कोई भी यूरेनियम का एटम है, यूरेनियम 238, ठीक, वो जब रेडियो एक्टिव डीके उसके अंदर होता है तो वो थोरियम 234 जमा हीलियम 4 के रूप में टूट जाता है। तो ऐसा होने पे आपको याद रखना कि ये 238 है, 34 में 4 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, यानी कि जब भी डीके होता है तो डीके के अंदर चार्ज जो होते हैं वो इक्वल और बराबर पेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और इक्विलिब्रियम के लॉ को फॉलो करते हैं। और याद रखना चार्ज हमेशा वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्टैटिक चार्ज और डायनेमिक चार्ज दोनों की वैल्यू
फिक्स होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ न्यूटन, ठीक है, कूलम, ये फिक्स रहती है। अगला है हमारा कूलम्स ला। कूलम्स ला जो था वो कूलम्स ने दिया था, और कूलम्स का ये जो ला है इसका पूरा नाम पहले हम समझते हैं कि चार्ल्स एगस्टिन कूलम, चार्ल्स एगस्टिन कूलम नाम के एक व्यक्ति ने ये कूलम्स ला दिया। उसने हमें बताया कि जब कोई भी दो चार्ज बॉडी होती हैं, एक एक छोटा या बड़ा या फिर कोई भी दो बॉडी हैं, वो चार्ज हैं, ठीक है, तो उसमें अगर सेम पोलैरिटी है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और अगर सॉरी अपोजिट पोलैरिटी है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और अगर सेम पोलैरिटी है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दूर भागेंगी एक दूसरे से। कितने अमाउंट में दूर भागेंगी, तो वो फोर्स डिटरमाइन करने के लिए कूलम्स ने एक रूल बनाया, और वो कहलाया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के लिए उसने बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ठीक, तो ये दोनों प्रोडक्ट के इक्वल होगा और उनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमने के यूज़ किया, जैसे ही हमने ये समझा कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 और एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें मिल गया, क्या मिला कि एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 / r², और यहाँ एक के कांस्टेंट लगा। के एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। आप कहेंगे सर जी इससे पहले हम ग्रेविटेशन लॉ ऑफ फोर्स में क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने एफ बराबर जी m1 m2/r² पर एस में, इस केस में ऐसा नहीं होता। जी की जी हमारा यूनिवर्सल है, पर ये यूनिवर्सल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ये मीडियम पर डिपेंड करेगा, के की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करेगी, इसीलिए इसको हमें थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा कि मीडियम जैसे बदलेगा हमारे वैल्यू ऑफ के भी चेंज होती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स चेंज होगा। बहुत बेसिक सी बात है, कोई भी जो चार्ज बॉडी यदि किसी फ्री स्पेस में होंगी तो वो एक दूसरे पर जितना बल लगाएंगी, वो यदि वाटर में होंगी तो उतने बल के वो बराबर नहीं होगा, वाटर के अंदर बल थोड़ा कम हो जाएगा और स्पेस में ज़्यादा हो जाएगा। ये बात चार्ज और उस वाटर के मीडियम पर डिपेंड करता है, इसीलिए के जो है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू डिफर होती रहती है, और ये कितनी डिफर होती है इसकी वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट कर रखी है, वो होती है हमारी 1/4 πε₀। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होती है। ये क्या बोला है, तो ये कहता है कि फ्री स्पेस के अंदर जो चार्ज जो होता है वो एब्सोल्युटली जितनी क्वालिटी शो करता है, जितनी क्वालिटी से दूसरे पर फोर्स लगाता है, ये उसका फिक्स वैल्यू है, और वो फिक्स वैल्यू 8.85 × 10⁻²⁰ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इक्वल होता है। जबकि एक कूलम की बात करें तो एक कूलम वो रिपल्सिव फोर्स होता है हमारा जो कि 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन फोर्स चार्ज को एक दूसरे को धकेलने में लगता है। तो यानी देखिए दोबारा समझते हैं कि एक कूलम क्या है, वन कूलम इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन द फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ प्लेस्ड इन द वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। एक कूलम चार्ज वह चार्ज है जो उसी जैसे सिमिलर चार्ज जो कि 1 मीटर के दूरी पर रखा हो और उस पर 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन का बल लगाया जाए, तो वो एक दूसरे की तरफ जितना रिपेल करती हैं उतना ही हमारा एक कूलम चार्ज होता है। एक कूलम चार्ज क्या है कि दो चार्ज बॉडी हैं, सेम चार्ज की हैं, उनके बीच में 1 मीटर की दूरी है और वो दोनों एक दूसरे को यदि 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन की ताकत से धकेलें, एक दूसरे से दूर हो, तो जो गुण उत्पन्न हो रहा है वही हमारा एक कूलम कहलाता है, ठीक।
अब एक कूलम की जो दो अलग अलग वैल्यूज दिखा रखी हैं कि एक कूलम को यदि ई एस यू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इन सीजीएस, सीजीएस में लेंगे तो यही 3 × 10⁻⁹ में आ जाएगा एक कूलम। और वहीं अगर ई एम यू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट यानी कि ये अब हमारा बी के अंदर चला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये 3 × 10⁻⁹ हो जाता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये 1/10 हो जाता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी तक जो हमने पढ़ी थी उसी को वेक्टर फॉर्म में हम समझना चाहते हैं। वेक्टर फॉर्म में और इस फॉर्म में क्या अंतर है? वेक्टर फॉर्म जो होता है वो वास्तविकता होती है, और ये जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ एक रूल था। रूल को पढ़ने के बाद वास्तविक जीवन में उसका कैसे प्रयोग होता है, तो उसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ती है। आपको याद रखना है कि पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ओरिजिन से उस चार्ज बॉडी तक की डिस्टेंस ही पोजीशन वेक्टर होती है। अब वेक्टर को लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओरिजिन से यदि दो चार्ज बॉडी Q1 और Q2 अगर एक दूसरे के साथ कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और वो दूरी यदि R है, तो Q1 चार्ज और Q2 चार्ज एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अगर वो एक जैसे चार्ज हैं तो विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, एक इधर भागेगा दूसरा इधर भागेगा। पर यदि वो सेम चार्ज हैं, यदि वो सॉरी अपोजिट चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे की तरफ भागेंगे। ठीक है, पहला केस जब वो अपोजिट चार्ज सॉरी सेम चार्ज होंगे तो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा होगा, जबकि यही चीज यदि वो एक दूसरे के चले कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रखा है, यदि Q1 Q2 जो है उसका प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, यानी कि अगर दो चार्ज अपोजिट पोलैरिटी वाले हैं तो ये कंडीशन हो, सेम पोल हाँ अपोजिट पोलैरिटी है तो ये कंडीशन, और सेम पोलैरिटी है तो ये कंडीशन, यानी कि दो कंडीशन आपको दिखा रखी है और दोनों कंडीशन में एक दूसरे के साथ कैसा फोर्स बनता है 3 डायमेंशनली वो आपको प्रेजेंट करके दिखा रखा है। इसमें दिखा रखा है कि दे आर रिपेल इच अदर, क्योंकि हमने बोला कि दो पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं, पॉइंट चार्ज हैं, प्लेस कर रखा है एक दूसरे को वैक्यूम के अंदर कुछ दूरी पर, तो वे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वेक्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं कि F21 का अर्थ होता है Q2 है ना, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 कहलाता है और उसकी वैल्यू 1/4 πε₀ × Q1 Q2/R² होती है। अब और क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है इसीलिए इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लग जाएगा, ये F21 था इसीलिए R½ हमारे यहाँ पर आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट डिस्टेंस है और इसका ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको आपको एज इट इज़ याद कर लेना होगा। नेक्स्ट है हमारा F12, यानी कि ये भी क्या है, फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 फोर्स है, और उसको भी हम देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमारा कूलम्स लाई है, बस इतना हिस्सा हमें चेंज करना होगा। F12 के कारण R21 कैप आती है और F21 के कारण R12 कैप आती है, 2 1 1 2 1 2 2 1, ठीक है, 2 1 1 2 और 1 2 से 2 1, इस बात को यदि आप ध्यान रख लेंगे तो ये भूलने वाले आप नहीं हैं फिर। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि यूनिट वेक्टर कैसे आया, कैसे यूनिट वेक्टर की सहायता से हम ये बना पाए, तो यहाँ पर उसके बारे में बता रखा है कि R21 इज इक्वल टू R²(2^1)R, यानी कि ये हमारा R वेक्टर है, R वेक्टर 2^1 जो है वो R²(2^1)R के बराबर होता है, यानी कि जो मैग्नेट जो डायरेक्शन है वो हमारी वो यूनिट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है जो हमने 11th क्लास की मैथ्स में पढ़ा है। आगे पढ़ते हैं कि कूलम्स फोर्स फॉर
अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस के केस के अंदर ये चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, और जिसकी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो से छोटा होगा। यानी कि अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म की इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन में निकला, देखिए हम भी देख रहे थे ना कि आर वन टू, यदि जैसे ही आर टू वन और आर वन टू हम देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जितना रिजल्टेंट वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है टू वन में, उतना ही रिजल्टेंट अब वन टू में प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो दोनों इक्वल अमाउंट में हैं पर डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से उसमें एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसके कारण हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आती है वो एफ टू वन इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ एफ वन टू के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आता है कि टू चार्ज एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन ईच अदर, सो इट फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पाए कि जब दो चार्ज एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखे होते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिसके कारण उन पर लगने वाला बल भी अपोजिट में ही हो लगा रहा होता है, पर क्योंकि वो पोलैरिटी सेम होती है जिसकी वजह से वो टोटल चार्ज सम अप हो जाता है, और इस तरीके से ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करने लगता है। कैसे, थर्ड लॉ में भी बताया था इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को जुड़ जाते हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एस द कोलंबियन फोर्स एक्ट अलोंग आर वन टू वैक्टर और आर टू वन वैक्टर, दैट मीन्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, सो दे आर सेंट्रल फोर्सेस। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस का नाम भी देते हैं। अगला है हमारा रेंज ऑफ द कूलम्स फोर्स। तो कूलम्स का ये जो नियम है वो बहुत छोटी मैक्रोस्कोपिक यानी कि न्यूक्लियर डायमेंशन यानी 10^-15 मीटर से मैक्रोस्कोपिक 10^18 मीटर तक की रेंज में अपना काम करता है। यानी कि छोटी से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े कण, यानी कि बिल्कुल एटम से लेकर और बोल्ट नट बोल्ट कसने वाले हिस्से तक हम जो प्रयोग करते हैं वो सभी कूलम्स लॉ के द्वारा हो रहे होते हैं। तो फॉलो इनवर्स, और याद रखना कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था, हमने पढ़ा था ना इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ ये है कि इनवर्स स्क्वायर के अंदर ये आर स्क्वायर जो है हमारा, ये वन अपॉन में आना ही इनवर्स स्क्वायर लॉ की पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है हमारा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कैसे, ये हमने अभी समझा कि जब हम न्यूटन्स की कूलम्स का ये जो रूल पढ़ रहे थे तो उसी दौरान कूलम्स के इस रूल में इन्होंने हमें एक बहुत अच्छा सा एक वर्ड यूज़ करवाया, और वो वर्ड क्या था, उन्होंने बोला कि एफ़ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। के लिए हमने पूछा भैया के क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कई नाम बता दिए गए। अब वो क्या है, कैसे उसका यूज़ किया जाता है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। समझना आए दोबारा से वीडियो एक बार देख सकते हैं। तो उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू प्लेस इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर इज गिवन बाय, ठीक है। तो सबसे पहले वैक्यूम में कितनी फोर्स जनरेट होती है, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि जब भी हम वैक्यूम के अंदर फोर्स डिटरमाइन करना चाहते हैं किन्हीं दो चार्ज के बीच में, तो वो हमारी होती है 1/4πε₀। याद रखना है वैक्यूम के अंदर ε₀ होता है, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। जबकि यही दोनों सेम चार्ज को यदि किसी एक मीडियम में रख दिया जाए तो वहाँ पर हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स हो जाएगा 1/4πε₀ Q1 Q2 आर स्क्वायर। पर याद रखना है कि ये ε₀ नहीं है, इट्स ओनली ε₀, क्योंकि यहाँ मीडियम बदल चुका है, वहाँ वैक्यूम था, वैक्यूम में उसका नेचुरल गुण आता है, जैसे कि लाइट वैक्यूम में तेज़ी से निकलती है, उसी तरह ये भी वैक्यूम के अंदर अपने नेचुरल गुण के कारण अपना रियल बिहेवियर शो करता है। आगे बढ़ते हैं,
तो हम समझ पाए कि दो फोर्स है ना, यानी कि वैक्यूम में और मीडियम में कैसे कैसे गुण जनरेट हो सकते हैं उसको हमने देखा। अब क्या होता है, ये कहता है कि यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, और ये एक जस्ट परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक, तो इस तरीके से यदि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों को यदि हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें इसको और इसको, तो फोर्स वैक्यूम अपॉन फोर्स मीडियम हमको मिल जाएगा। और वो कैसे आ जाएगा, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, फोर्स वैक्यूम अपॉन फोर्स मीडियम। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने दिखाई दिया था अभी थोड़ी देर पहले, और यह 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब बची हुई चीज़ें एक दूसरे से कट जाएंगी, बस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट नहीं कटेगा, पर ये याद रखना आपको, ये 1/4 एप्सिलॉन है, ये 1/4 एप्सिलॉन, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 एप्सिलॉन। इसीलिए ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक रूल हमने पढ़ा था, ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी, ऐसा होता है तो डी ऊपर जाता है और बी सी के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसी कारण बस हमारा ये एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और ये वाला एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 1/4 में है। ठीक है, तो इस वजह से देखो ये 1 2 3 4, ये चार हिस्से हैं ना, चार हिस्सों में नीचे वाला ऊपर जाता है और बीच वाला इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी वजह से फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम जो होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है, और ये जो रेशियो हमारे पास मिला यही रेशियो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर कहलाता है। और यहीं से हम निकाल सकते हैं वो रिलेशन जिससे हम अपने कूलम्स लॉ में यूज़ करते हैं, कैसे, तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट फोर्स, जो कि दो चीज़ का रेशियो होता है, के क्या है, एक रेशियो है परमिटिविटी का या फिर फोर्स का, परमिटिविटी से भी हम इसको याद कर सकते हैं या फोर्स से भी, और दोनों से भी, क्योंकि पेपर में तो दोनों से पूछा जाता है, इसीलिए दोनों से हमें इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको ER से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर K से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम छेड़खानी क्यों करें, NCERT हमें K को रूट दिखाता है, इसीलिए हम इसको K के रूप में ही मान लेंगे। क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम में जब हम परमिटिविटी की तुलना करते हैं तो वही हमारा रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, और रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने लिख दिया गया है, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट में भी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू प्लेस टू चार्ज। ठीक है, ये दो चार्ज का रेशियो है, यहाँ तक की लाइन देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि दो तीन बार कुछ चीज़ें रिपीटिव लगेंगी पर रिपीटिव है नहीं। ये क्या है, फोर्स का रेशियो है, क्या परमिटिविटी फोर्स का रेशियो है, परमिटिविटी फोर्स का रेशियो है, वही बात लिख रखी है जो ऊपर दिखा रखी है, बिटवीन टू चार्ज प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, और किस में, एक फ्री स्पेस की बात करता है कि एक फ्री स्पेस में और एक मीडियम में जब दो चार्ज को कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके रेशियो, उनके फोर्स का जो रेशियो होता है जो वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसी को हम के का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है हमें कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो के यहाँ पे इसको उधर कर दें और उसको नीचे ले आएँ। ठीक है, यानी कि के को यहाँ से उठा के नीचे ले आए, के इधर आ जाए, एफ मीडियम इधर चला जाए, तो एफ मीडियम जो है वो ऊपर हमारा एफ वैक्यूम, तो फे एफ वैक्यूम अपॉन के इक्वल आ जाता है, इसीलिए एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² के हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वैक्यूम के अंदर हमेशा एक रहती है, एयर में 1.00054 होती है, जबकि वाटर के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी 80 के बराबर होता है, ये बहुत बड़ा डाटा है। चलिए, इसी के साथ ये पेज समाप्त होता है, और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे लंबे टॉपिक पर, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यहाँ क्या लगता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको अलग से टर्म बनाकर भी
एनसीईआरटी में पूछ रखा है, पर ये दोनों एक ही चीज़ याद रखना है। सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल का हेल्प से ही हम मल्टीपल चार्जेस को, फोर्स को इकट्ठा निकाल सकते हैं कि बहुत सारे चार्जेस यदि स्पेस में एक साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो एक दूसरे को कितनी ताकत से खींचेंगे। इसको समझने के लिए जिस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा। और इसका स्टेटमेंट क्या है वो समझते हैं पहले। इसका स्टेटमेंट कहता है कि द इट स्टेट दैट द नंबर ऑफ चार्ज इंट्रैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वैक्टर सम, इज द वैक्टर सम ऑफ फोर्स, वैक्टर सम ऑफ फोर्स होते हैं एग्जर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल चार्ज ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज एंड नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। ठीक, इसका इस पूरी लाइन का यहाँ से और यहाँ तक की जो लाइन है उसको कहने का तात्पर्य क्या है कि जब दो चार्जेस या दो से ज़्यादा चार्जेस एक दूसरे के साथ है ना कहीं रखे हुए होते हैं और एक दूसरे को इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो टोटल फोर्स होती है वो टोटल फोर्स दूसरे चार्जों के कोई प्रभाव में नहीं आती है, वो डायरेक्ट जुड़ जाती है। ठीक है, डायरेक्ट जुड़ कैसे जाती है वो फाइनल कंक्लूजन आपको दिखाते हैं। वो इस तरह जुड़ जाती है, ये देखो F बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 अप टू सोन ऑफ F1n। तो ये एक फाइनल कंक्लूजन है जिसको मैं पहले ही आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये वाली जो बात है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। तो वह यही है कि सभी फोर्स जो होती हैं जो भी अलग अलग चार्जों की होती हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर काम करने लगती हैं और अदर चार्जों का उनकी फोर्स को डिस्ट्रॉय करने में कोई हाथ नहीं होता। नेक्स्ट कहता है कि द सम ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज आर नॉट अफेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज एंड दिस इनेबल अस टू फाइंड द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। याद रखना है हमें कि चार्ज को हमें बिल्कुल पॉइंट मानना है, नेग्लेक्सिबल मानना है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो कुछ पड़ेगा प्रभाव? हाँ बिल्कुल, चार्ज जो होता है वो नेग्लेक्सिबल है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, वो मैक्रोस्कोपिक नहीं है। इसीलिए हम ऐसी एंटिटी को बिल्कुल पॉइंट या फिर ना के बराबर बहुत छोटा बिंदु ही मानकर चलते हैं। अगला है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट द फोर्स विथ विच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल्स इच अदर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दूसरे चार्ज की उपस्थिति से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये उस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगली बात आती है फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस पर कैसे बल लगता है द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब इसको हम एक प्रिंसिपल के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि अभी जो हमने पहले पढ़ा है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मात्र है और अब जो हम देखेंगे वो इसकी रियल डेरिवेशन होगी। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे n चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में मान लेते हैं और उन सभी को O के साथ में कुछ ना कुछ रिलेटिव रेस्पेक्टिव कुछ पोजीशन होगी, जैसे कि यहाँ पर ये तीन चार्ज हमने देख लिए। ठीक है, और तीन क्यों देखे, तीन से ज़्यादा नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हो। तो ये सूत्र के अकॉर्डिंग हमने तीन लगभग देख लिए, वैसे देखने को तो अनंत भी देखे जा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, और प्रिंसिपल क्या है सुपर पोजिशन का कि टोटल फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर प्रभावित नहीं होते और उन सभी का जो कंपन जोड़ है वो डायरेक्ट उनके वैक्टर सम के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि F12 क्या है, दो से एक पर लगने वाला बल, तीन से एक पे लगने वाला बल F13, एक से n पे लगने वाला बल F1n। तो इस तरीके से n तक के हम सभी फोर्सों को जो चार्ज द्वारा लगाए जा रहे हैं उन सभी को इकट्ठा करके इस एक्सप्रेशन के द्वारा लिखकर रख सकते हैं। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ ऐसे मल्टीपल वाले केस में कहता है कि अगर हम एक एक करके इनका एफ़ वन टू निकालें फिर एफ़ वन थ्री निकालें और फिर फाइनली उनको जोड़ दें तो वो वेक्टर सम ही हमारा इन मल्टीपल चार्ज का रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक का देख लेते हैं एफ़ वन टू का, फिर
F13 का देखेंगे और फिर लास्ट में F1N का देख लेंगे और उनको सब जोड़ देंगे, तो जोड़ने से जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा, और उस सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के द्वारा हम मल्टीपल चार्जेस के ऊपर लगने वाले फोर्स को सम अप कर सकते हैं। अब मैं इसको जूम करके समझा देता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि F12 कैसे निकाल रखा है। देखिए यहाँ पर ना पोजीशन वेक्टर का यूज़ कर रखा है, पोजीशन वेक्टर का यूज के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा कि इसमें कहा कि भैया हमारे पास तीन पार्टिकल हैं, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा Q1, ये हमारा Q2 और ये हमारा Q3 सॉरी ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3। ये तीन चार्ज Q1, Q2 और Q3 ये तीन रखे हुए हैं, और यहाँ वाले का R1 डिस्टेंस है, ये वाले की R2 डिस्टेंस है, ये वाले की R3 डिस्टेंस है ओरिजिन से। अब इनकी वजह से हमारे पास एक वेक्टर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बन गया है यहाँ पे, और उसकी वजह से इनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर मिलने की वजह से इसको हम F1 नाम देंगे। वो F1, F13 और F12 के कारण प्रोड्यूस होने वाली फोर्स होगी। दोबारा से हमारे सामने एक 3D प्लेन था जिसको हमने 2D में कन्वर्ट करके देख रहे हैं हम, तो 2D प्लेन को हमने देखा कि तीन चार्ज बॉडी हमारे पास रखी हुई हैं और तीन से ज़्यादा भी ले सकते हैं हम, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो आगे जाके हमें वेक्टर्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से मिल रहा है। ये है हमारा पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम पर हम सभी का फोर्स निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो यहाँ क्या बता रखा है कि Q1 के कारण Q2 और Q3 पर लगने वाला जो बल है वो यहाँ पर इस F1 पर हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 और यहाँ सिर्फ F1 है, इसीलिए F1 पर F2 और F3 का जो प्रभाव है वो हम फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो क्या आता है, तो F12 एक करके निकाल लेते हैं हम। F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R12 स्क्वायर और इंटू में R12 कैप। ये तो था हमारा पहला एक्सप्रेशन। अब इसको वेक्टर में जब हम बदलते हैं तो पोजीशन वेक्टर दो का डिफरेंस होता है, और ये हमें बताया गया है कि यूनिट वेक्टर जो होता है हमारा वो आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर होता है। तो ऊपर हमारा वेक्टर आ गया, नीचे हमारा उसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। और उसी तरह ये तो सिर्फ यूनिट कैप को, ठीक है, यानी कि यहाँ से तो यूनिट कैप वाला कंपोनेंट आया और यहाँ से इसका स्क्वायर वाला कंपोनेंट आया। अब एक है स्क्वायर और एक है डायरेक्ट एक, यानी कि 2 इधर 1 इधर, तो टोटल 2+1=3। इसीलिए हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन आया उसमें हम 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 - R2 का होल क्यूब इंटू R1 - R2 वेक्टर लेंगे। तो ऊपर और नीचे वाले में अंतर क्या है कि नीचे वाले मैग्नीट्यूड में हैं और ऊपर वाले डायरेक्ट ब्रैकेट में हैं। ऊपर वाले वेक्टर हैं, ये मैग्नीट्यूड है, ऊपर वाले वेक्टर ये मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट बढ़ते हैं R12। तो ये एक यूनिट वेक्टर है, जो बात मैंने ऊपर यहाँ समझाई थी उसी बात को इन्होंने यहाँ पिक्चराइज कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है। और Q1 Q2, ठीक है, पॉइंट की बात करते हैं हम, तो इसको हम पॉइंट के रूप में लेके चल रहे थे Q1 और Q2 को, इसीलिए R12 जो है वो हमारा R1 - R2 के बराबर आता है, और वो क्या है हमारे डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1। तो उसी तरह हम ये समझ पाए कि फाइनली जो फोर्स है वो इसके और इसकी वजह से इस पर जो लग रही है वो फोर्स हमारी यहाँ पर हमें मिल रही है, और मिलने वाली इस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो सभी का वेक्टर सम के इक्वल है, और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले में हमने क्या किया, R12, फिर R13 और लास्ट में अप टू सोन ऑफ 1N, है ना, 1-2, 1-3 और 1N, और इन सभी को जब हम
समराइज रूप में लिखते हैं तो आर टू से एन तक हम इस तरीके से इकट्ठा करके भी इसको आपको लिख सकते हैं। जूम करके समझिए कि एफ वन जो है हमारा वो क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इन सभी के जोड़ जो ऊपर जितनी भी टर्म थी उन सभी को इकट्ठा करके अगर रख दें तो सभी में समेशन लगा सकते हैं। इसी को इंटीग्रेशन से भी रिप्लेस कर सकते थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है इसीलिए नहीं किया। तो ये हमारा आ गया क्यू आई अपॉन आर स्क्वायर वन आई इंटू आर कैप वन आई। तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाता है एफ वन टू, एफ वन जो है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर वन माइनस आर टू डिवाइड बाय आर वन माइनस आर टू का होल क्यूब प्लस क्यू वन क्यू थ्री, यानी कि ये क्यू वन क्यू टू था, ये क्यू वन क्यू थ्री था, फिर अप टू सन ऑफ क्यू वन क्यू एन तक हम इसी तरीके से सीरीज लेंगे और लास्ट में इन सभी का सम कर देंगे। सम करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है यही हमारे जनरल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है बहुत सारे फोर्सों का। तो जनरली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू समेशन ऑफ एन बी वन बी इक्वल टू वन टू एन, वेयर क्यू टू जो होता है हमारा क्यू बी जो है वो आर स्क्वायर ए बी इंटू आर कैप ए बी के इक्वल होगा। तो यानी कि जहाँ पर हम वन टू ले रहे थे उसको अब हमने ए बी से रिप्लेस करके इसका जनरल टर्म बना दिया। जनरल टर्म बनाने के बाद यहाँ फाइनली से कंक्लूजन लिख दिया कि इस तरीके से हम अपने टोटल रिजल्टेंट के फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं यदि दो से ज़्यादा चार्ज एक साथ इकट्ठे कहीं रखे हुए हों तो। अब इसको और सिंपल रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसने बताया कि F इज इक्वल टू द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज Q ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्ज F इज इक्वल टू, अब मैंने कि इस बार हमने ए बी सी डी भी हटा डाली है और डायरेक्ट Q और Q डैश R और R डैश का यूज़ किया है, तो Q डिवाइड बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन ऑफ Q डैश R वेक्टर माइनस R वेक्टर डैश डिवाइडेड बाय R वेक्टर माइनस R वेक्टर डैश की मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये मैग्नीट्यूड है और ऊपर वाला डायरेक्ट वेक्टर है, वेक्टर से मैग्नीट्यूड को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वेक्टर जो होता है वो हमें डायरेक्शन और पोजीशन, डायरेक्शन और रिजल्टेंट दोनों दे सकता है, जबकि मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, इसीलिए ऊपर नीचे हम इसे काट नहीं सकते। तो यहाँ पर जो यूज़ करने वाली चीज़ थी वो ये रिजल्टेंट फोर्स था, और साथ ही साथ अगर दो वेक्टर्स का हम सम निकालना चाहें तो हमें एक कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ तक हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, उम्मीद करते हैं ज़रूर समझ में आया होगा, नहीं आया फिर से वीडियो देख लो यार, फिर नहीं देखने का मन कर रहा बता देना, दोबारा से नई वीडियो बना दी जाएंगी। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक रिवीजन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज का, अगला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, कूलम्स लॉ के बारे में, फोर्स बाय द मल्टीपल चार्जेस। तो अब ज़्यादा बताऊंगा नहीं कुछ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, इसके बाद एक वीडियो न्यूमेरिकल की होगी, चैप्टर फिनिश होने के बाद न्यूमेरिकल होंगे। थैंक यू।